तो सभी को खूब सारे नमस्कार, नमस्ते मेरे भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है यार। आई एम फीलिंग रियली प्राउड कि हम लोग सेम सेटअप में एक और पॉडकास्ट कर रहे हैं। एक पॉडकास्ट अभी रिसेंटली मेहुल सर और अंशुल सर ने खत्म किया, दैट वाज विथ आर सीए टॉपर्स। आज हमें सेम डे दूसरी बार कॉफी पीने का मौका मिल रहा है, बट विथ सीएस टॉपर्स दिस टाइम। तो CSET जुलाई 2023 results were out and again we really nailed it. These toppers who are sitting in front of me really nailed it. और बहुत मजा आ रहा है क्योंकि अभी CA toppers का podcast हुआ जिन्होंने MP में आग लगा दी। Similarly अब CS toppers का podcast हो रहा है and we have the MP topper with us, none other than मंशा गुप्ता 172 marks and Nandini यादव 170 marks, number 3 in MP. Yes. तो we have number 1 and number 3 and we have Tanay sir with us, the producer of these results, the faculty of CSEET. नहीं यार, इनकी मेहनत है, अपना क्या है, अपना तो guidance था. Definitely. नहीं sir, credit तो आपको भी जाएगा. हाँ, थोड़ा बहुत तो हम ले सकते हैं, बाकी major credit goes to you, क्योंकि अपन ने तो यार बहुत सारे student पढ़ा है, toppers तो सभी नहीं हो पाए. I should say cheers to the success of Vidyun. Yes, yes, definitely. तो जल्दी से बताओ मंशा, कैसे प्रिपेयर किया तने सर, क्या पढ़ाते थे, बाकी फैकल्टी ने क्या क्या पढ़ाया और कैसे CSET के? तो बताओ फील कैसा हो रहा है, मतलब ये कि अपन सब जगह छाए हुए हैं अभी अपना, मतलब अच्छा ही लग रहा है सर। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम थी जो अपन ने क्लियर की, वो भी रैंक के साथ, तो बहुत ज्यादा मायने रखती वो चीज़। तो चलो, ग्रेट यार। तो टेल अस अबाउट योर CSET एक्सपीरियंस, कैसे प्रिपेयर किया राइट फ्रॉम द स्टार्ट और कैसी रही है 172 तक की जर्नी? सर, फ्रॉम द स्टार्टिंग वी वर ऑल वेरी चिल कि हाँ ठीक है, अभी टाइम है, करेंगे। फिर मिड में आके थोड़ा स्ट्रेस बढ़ना चालू होता है कि अब तो भिड़ जाओ बिल्कुल। फिर शुरू कब किया था? शुरू कब? अप्रैल में स्टार्ट किया था और जुलाई अटेम्प्ट था 8 जुलाई, विच वॉज डिलेड, एंड ऑन 30 जुलाई वी गिव द एग्ज़ाम। तो उस टाइम पे वो जो फेज था कि जो एग्ज़ाम डिले हो गया था, जो भी पढ़ा था वो अब एक महीने तक फिर से उसको रिवाइज करना, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। कैसे, मतलब 172 कैसे आते? मेहनत सिर्फ बस। मतलब टारगेट 172 का था, ज़्यादा का टारगेट था और 172 सर, ज़्यादा का टारगेट था। 180+ और समथिंग। चलो अपन बाल की खान निकालेंगे, एक एक चीजें पूछेंगे। हाँ, 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 हाँ. बट अच्छा, टारगेट थोड़ा ही रखना चाहिए, तो अपन पहुंच ही गए। एग्जीक्यूटिव में और ज्यादा अच्छा टारगेट रखेंगे। मीनवाइल नंदिनी 170 मार्क्स, ह्यूज, इतने में तो इंसान ढाई बार पास हो जाता। आप दोनों मेरे ख्याल चाइल्डहुड फ्रेंड है। यस यस, है ना, तो लड़ाई तो नहीं हुआ दोनों? बोले तूने तो वही लिखा था ना जो मैंने तुझे बताया था। हाँ, 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 फिर तेको ज़्यादा कैसे आ सकते हैं? बट अच्छा यार, मतलब साथ में रहते हुए, मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड और अपन एक साथ एक लेवल पर, एक आध दो नंबर से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छा है मतलब। और इसको आगे मेंटेन भी रखना अपने को एग्जीक्यूटिव के अंदर। तो बताए फिर नंदिनी, व्हाट वाज योर जर्नी ऑफ 170? सर, जर्नी वाज शॉर्ट स्वीट एंड काफ़ी लर्न करने को मिला इस छोटी सी जर्नी में। एक्चुअली पहली बार हम स्टेप कर रहे थे अपने प्रोफेशनल एग्ज़ाम के बोनस पे, एंड ऑब्वियसली नर्वसनेस तो थी कि कैसे क्या करेंगे, पहली बार कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो जैसा कि बोला मंशा ने कि पहले तो वी वर ऑल चिल एंड स्टफ, बट बाद में डेफिनेटली उस चीज़ को लेके एक आया कि यार नहीं, क्रैक करना है, बस फोड़ना है एग्ज़ाम को। तो टारगेट तो ज़्यादा का ही सोच के चला था, पर 170 and मैं तुम्हें से उदास होके क्यों बोल रहे 170? मतलब अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं लिटरली वो कुर्सियों से 2-4 फीट ऊपर उचक रहा होता कि आई स्कोर 170। बोले टारगेट बहुत ज्यादा का था पर 170 ही आए। सर, क्या कहना है आपका इस बारे में? नहीं मतलब ठीक है, जो है बेस्ट हुआ, अपन तो ये समझते हैं कि जो होता अच्छे के लिए होता और अपन ने किया, और अगर अपने को थोड़ा कम भी आया तो एक लर्निंग स्टेज ही है वो, कि ठीक है नेक्स्ट टाइम ज्यादा एफर्ट्स देना। बाकी 170 बहुत अच्छे मार्क्स हैं, मैं देता तो शायद मेरे नहीं आते। सर, अपन दोनों के मिला के सर। हाँ, मतलब दो गरीब बच्चे पास हो जाते हैं। एंड ऑब्वियसली फैकल्टी का बहुत बड़ा एक सपोर्ट रहा था थ्रू आउट दी जर्नी। सब लोग ने बहुत एकदम मोटिवेशन के लिए लगे हुए थे, सब दे वर लाइक, फैकल्टी से ज्यादा दे वर मोर लाइक अ फ्रेंड टू अस, कोई भी हो। एंड
स्पेशल थैंक्स टू तने सर, हर बार गाइड किया उन्होंने, कोई भी प्रॉब्लम आई तो ही वाज ऑलवेज देयर. कि नहीं सभी फैकल्टी थी, बट एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं सीएसईटी के अंदर नहीं था, तो सिर्फ अगर तने सर की तारीफ हो रही है तो मैं ये बता दूं कि मेरी तारीफ क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मैं ईटी में था नहीं. ठीक है, नहीं नहीं, बैक सपोर्ट था ना, ऐसा थोड़ी होता है. तो मंशा और नंदिनी, हम ना सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लेते हैं. टोटल हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं सीएसईटी के अंदर, तो दो दो करके सब्जेक्ट्स डिवाइड करते हैं. लॉ और इकोनॉमिक्स में आपसे पूछ रहा हूँ कि कैसे आपने उसको प्रिपेयर किया, और जो ये लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडलाइंस होगी लॉ और इकोनॉमिक्स के लिए. और दो सब्जेक्ट्स आपसे पूछता हूँ, और बिजनेस कम्युनिकेशन और करेंट अफेयर्स आपसे पूछ लेते हैं कि आपने उसमें कैसे प्रिपेयर किया था. सो लेट्स स्टार्ट विथ लॉ, एलआर एंड इकोनॉमिक्स. तो इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही लॉ में बहुत है था, उसको लेकर तो हमेशा क्यूरियोसिटी रहती थी कि अगर इतना पढ़ा रहे हैं तो मुझे इतना करना है, एक वो रहता था. एंड अगेन तने सर ने बहुत इसमें हेल्प की थी, अगर मेरे डाउट्स यहाँ तक जा रहे हैं तो ही मेड श्योर कि वहाँ तक क्लियर भी हो. एंड ऑब्वियसली अपने खुद के नोट्स बनाना वो सबसे मेन चीज़ रहती है, इवन दो फैकल्टी के बहुत अच्छे नोट्स हमें मिल रहे हैं इंस्टीट्यूशन से, बट खुद के नोट्स बनाना एक क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प. तो क्या मॉडल नहीं, मतलब मैं जैसे पर्सनली बोलूंगा कि जैसे स्टूडेंट्स का रहता है कि जो दिया है बस उसमें से पढ़ लो, बट इन दोनों का मैंने एक चीज देखी थी, ये एकदम डेप्थ में जाते थे कि जो चीज नहीं है या मतलब एक लाइन या एक वर्ड भी दिया है तो उसको पूरा डिटेल के अंदर कि हाँ उसके आगे पीछे की क्या चीज होती है, इसलिए इन दोनों की क्वेरी सॉल्व करने में मजा भी आता था मुझे, क्योंकि ये मेरे माइंड को बटर देते थे कि हाँ भाई ये है, आप भी सोचो थोड़ा, तो मतलब लगता था कि हाँ अच्छे लेवल के बच्चे हैं तो मतलब पढ़ाने में मजा आ रहा है, और ये बहुत जरूरी है, मतलब, हाँ, मतलब आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए जरूरी. एक्चुअली मतलब आई रिमेम्बर्ड वन ऑफ द इंसिडेंट लाइक दिस, तब उस टाइम पे सीएस फाउंडेशन हुआ करती थी, एंड देन देयर वाज दिस कॉर्पोरेट लॉयर हु केम फॉर अ सेमिनार एट विद्योदय. उसने लॉ का कोई एक सेक्शन कुछ कोट किया, एंड वो फाउंडेशन की बच्ची ने उसमें इंटरप्रिटेशन में एक लूपहोल निकाला दैट इवन दैट लॉयर डिड नॉट नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो लॉ सब्जेक्ट एक ऐसा है कि एवरीबडी इज अ स्टूडेंट एंड एनीबडी कैन चैलेंज एनीबडी व्हाटसोएवर. करेक्ट सर? बिल्कुल, डेफिनेटली. कंटिन्यू नंदिनी. एंड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स तो पहले भी किया हुआ था, बट ये क्योंकि थोड़ा सा एक लेवल ऊपर था तो ऑब्वियसली इसको लेकर वापस से एकदम स्क्रैच से पूरा स्टार्ट करना, पूरा फाउंडेशन क्लियर करना इकोनॉमिक्स पे वो तो था ही. मैंने इकोनॉमिक्स था नहीं, क्लास 11th और 12th में नहीं पढ़ा हुआ था, पढ़ा था. पर फिर एकदम जीरो से वापस शुरू किया ये टीचर ने, ताकि स्क्रैच से बिल्कुल एक सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए. हाउ डिफरेंट इकोनॉमिक्स ऑफ सीएसईटी इज फ्रॉम 11th एंड 12th? इज इट डिफरेंट और इज इट प्रीटी मच द सेम? प्रीटी मच द सेम. और एग्जाम में भी वही लेवल के क्वेश्चंस आते हैं जो 12th में आते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं ऑब्वियसली. 11th 12th में ठीक है आते थे, अच्छे क्वेश्चंस भी आते थे, बट यहाँ पे क्योंकि एकदम ऑब्जेक्टिव थे और उसमें भी एकदम बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस भी आए, सभी ने फेस किया इस बार कि इकोनॉमिक्स में ट्रिकी क्वेश्चंस आए थे, तो लेवल तो ऑब्वियसली बढ़ जाता है क्वेश्चंस का. ठीक है, एंड विद दिस कम वी कम टू आवर लास्ट सब्जेक्ट कॉल्ड एलआर. वो क्या सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट आए had most fear of, मतलब सबसे ज़्यादा किसी सब्जेक्ट से डर लगता था बस LR and current affairs. तो LR को लेकर मैं कहूँगी कि सैफ सर का बहुत बड़ा थैंक्स, क्योंकि उनके ट्रिक्स ने बहुत हेल्प किया. शाउट आउट टू सैफ सर, ही इज नॉट विद अस एट द मोमेंट, नॉट विद अस एट द मोमेंट है ना, बट ऑलवेज विद अस. मतलब नहीं तो नीचे कमेंट्स अलग आना शुरू हो जाए. सैफ सर इज देयर, ही इज वेरी हेल्दी, ही इज वेरी टीचिंग रियली गुड, बस अभी हमारे साथ पॉडकास्ट में नहीं. हाँ, तो डेफिनेटली सैफ सर की वो जो ट्रिक्स थे उन्होंने बहुत हेल्प किया, एंड ही मेड श्योर कि हम कॉपी के साथ, पहले उन्होंने जिस तरह से पूरा उनका एक था कि हमको कॉपी से पहले करना सिखाया कि हम राइटिंग के साथ कर रहे हैं, उसके बाद उनका कि मेंटली सॉल्व करना सीखा, तो उस तरह से उन्होंने पूरा ट्रेन किया हमको, तो डेफिनेटली एक बूस्ट मिला वहाँ से. तो सर अगर नक्शल में देखें तो लॉ के हैंड रिटन नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, इकोनॉमिक्स खासकर शॉर्ट नोट्स, ताकि क्विक रिवीजन उनका हो जाए. हाँ, क्योंकि डिटेल नोट्स तो वैसे भी अपने पास बुक्स होती हैं, इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किए हैं आपको या ICSI से आए हैं, खासकर अपने को शॉर्ट नोट्स बनाना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. करेक्ट, बिकॉज़ वो एक स्टेटमेंट भी है कि अगर जो आप एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के नहीं जा सकते वो आप एग्जाम में कभी लिख भी नहीं सकते. दैट्स अ टेक अवे फॉर एवरी स्टूडेंट हु इज वाचिंग दिस. इकोनॉमिक्स में क्या रेफर क्या करूं मैं? इकोनॉमिक्स में एक तो जो आपने 11th 12th पढ़ा डेफिनेटली उसको आप रेफर करिए, और
डेप्थ में जाइए जितना जा सकते हैं. ऐसा नहीं कि डेप्थ पे क्वेश्चंस आए थे बट एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कब कैसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ के भी नजर आता. सो एग्जैक्टली. और अभी क्वेश्चंस में काफी फ्लक्चुएशन भी हुआ था. आप पास्ट ईयर पेपर देखोगे इस ईयर का देखोगे तो काफी एक डिफरेंस भी आया था कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे. Correct, तो एक इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए. कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर रख के चलना है एकदम इकोनॉमिक्स में. नॉट लाइक कि सिर्फ रटोफाई करना है उसको समझना है. जैसे मुझे पर्सनल लगता है कि बच्चे सोचते हैं कि यार सी एस ई टी तो हो ही जाएगा. Exactly. कर लेंगे अपन इजीली. 11, 12 का ही है. क्लासेस नहीं करना या सीरियसली नहीं पढ़ना. बट एट द एंड आप देखो जैसे आपने एग्जीक्यूटिव भी चालू कर दिया पढ़ना. तो आपने जो सी एस ई टी में पढ़ा वो हेल्प कर रहा. बिल्कुल कर रहा है. एक तो वहां से आपकी मेरे ख्याल से एक रेपो बन जाता है कि यार इस तरह से पढ़ना है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला सर आपने. डेप्थ अपने को पढ़ना है तो वहीं से अपन उस चीज को कैच कर लेते हैं तो आगे वो मेंटेन रहता है. अदरवाइज केवल मतलब शॉर्ट टाइम पढ़कर या केवल मैराथन देखकर वो चीज नहीं होती. मैं पास जरूर हो सकती हूँ पर वो एग्जीक्यूटिव में जो अप्रोच बनाना है वो बनाना पड़ेगा. मतलब लगता है क्लास में जैसे कई बच्चे आते हैं कि हाँ हमने क्लियर कर लिया. अब वो उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है और वही चीज फिर डबल मेहनत से उनको पढ़ानी पड़ती है. फिर ये लोग मेरे को देखते रहते बोले हमको पढ़ा दिया फिर वापस से पढ़ा. ये वही बात है कि आपको सर्दी जुकाम हो गया था. हाँ। आप एक केमिस्ट की दुकान पे केमिस्ट से जाकर के टैबलेट्स ले रहे हो या फिर एक डॉक्टर के पास जा रहे हो जिसके पास डिग्री है और वो सही प्रिस्क्रिप्शन आपको दे रहा है. दिस इज व्हाट इट इज. तो ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट टच किया. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो आते हैं काउंसलिंग के दौरान एंड दे ऑफन से दिस कि सीएसईटी का रिजल्ट तो बहुत अच्छा आता है मैं तो खुद ही निकाल लूंगा. बट देन इट इज अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज जो सी एस ई टी में देखने को मिलेगा और वो एग्जीक्यूटिव में सीधे कनेक्ट करेंगे. कंटिन्यू करेंगे. मंजर कंटिन्यू. दो सब्जेक्ट्स आपके पास है करंट अफेयर्स और दूसरा है बिजनेस कम्युनिकेशन. करेक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस कम्युनिकेशन. बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है. उसमें बहुत ज़्यादा नया कुछ नहीं रहता है. ऑब्वियसली जो हमने बिजनेस स्टडीज़ जो 11th 12th में पढ़ा है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहते हैं और इंग्लिश की ग्रामर एंड सब. और हमने उसके लिए मॉड्यूल रिफ़र करा था. तो जब मैम पढ़ाते हैं तो हाईलाइट द पॉइंट्स एट द टाइम ऑफ एग्जाम विच हेल्प्स अस वेरी मच. और या फिर उनको अपने हैंड रिटन नोट्स में लिखना वो भी एक अच्छी टेक्निक होती है. तो वो करके हम जो एट द लास्ट रिवीजन होता है एग्ज़ाम से पहले वो बहुत हेल्पफुल देता बहुत हेल्पफुल होता है इन सब चीज़ों की वजह से. एंड करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स से सबको बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था थैंक्स टू खुशबू मैम. मीन्स हम लोग को इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि करंट अफेयर्स में तो डेली चेंजेस आ रहे हैं हम लोग कैसे कवर करेंगे इतना सारा वास्ट सिलेबस है. पर थैंक्स टू हर उन्होंने जिस जैसे क्वेश्चंस पढ़ाए हैं ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में है. तो इट वाज अमेजिंग. मतलब यहाँ खुद के अफेयर्स संभले नहीं जा रहे करंट अफेयर्स वो बड़ा हेडेक हो गया था बिकॉज एवरी नाउ एंड देन देर आर फ्रिक्वेंट चेंजेस. और जिस हिसाब से योगी जी नाम चेंज कर रहे हैं हाँ. तो बड़ा डर लगता है भाई कि इलाहाबाद है कि प्रयागराज है. यार मुझे तो कभी कभी लगता है कि जब मैंने सीएस फाउंडेशन किया था अच्छा करंट अफेयर नहीं था तो कितना क्या याद करते यार. करेक्ट सर. करेक्ट. और अपने टाइम तो गूगल भी नहीं था. लाते खान से मत. Okay, that's altogether a different topic. Okay, anyway, sir, और questions आपके तरफ से क्योंकि आप जो है वो subject expert है. जैसे classes में अपन regular basis पे test देते थे वो कितना क्या help करते थे अपने? बहुत ज़्यादा. Yes, sir. उनसे बहुत ज़्यादा help मिली थी. एक habit बनना पूरा कि आप उस questions को solve करो. Objective पूरा objective पे आदत हमको थी नहीं ना. Professional ये हमारा पहला एक तो professional exam ऊपर से पूरा objective. तो एक habit उससे बनी. Definitely बहुत ज़्यादा helpful थे mock test. और लॉ में तो वैसे भी अपन ने काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स किए थे सारे सारे है ना. तो अपने को तो वो भी कम ही लग रहे थे कि और होना चाहिए थे. इतने कम थे कि हम मतलब थक गए थे. मजा. जो सर का क्वेश्चन है टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सर टेस्ट तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि वही जैसा बताया कि ऑब्जेक्टिव पेपर पूरा होना वो नहीं हैबिट थी. तो जो यहाँ पर जो हमने लाइव टेस्ट दिए हैं वो भी बहुत हेल्पफुल थे और जो हमने ऑनलाइन जो टेस्ट दिए हैं वो भी बहुत हेल्पफुल थे. वो एक ऑनलाइन की आदत भी होना कि हमें तो वो एग्जाम भी मेन एग्जाम भी ऑनलाइन देनी है. तो हाउ टू गिव दिस मतलब वो सेटिस्फेक्शन नहीं आता. वो मजा रह जाता है कि अरे यार वो जब तक गोला नहीं भरेंगे कॉन्फिडेंस. और एक फियर भी होता है कि ऑनलाइन में अगर कुछ हो गया तो क्या करेंगे. तो नेवर नो कि नेटवर्क का क्या प्रॉब्लम आ जाए क्या इशू आ जाए. तो इसलिए वो बहुत हेल्पफुल था. जैसा एग्जाम टाइम में आपका कॉल आया था है ना कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी हो रही है. बट वो है इंस्टीट्यूट वाले कई बार कर देते हैं काफी सारे बच्चों को जरा सा भी एक सेकंड भी आंखें इधर उधर हो तो वो
कैसा लगा मंशा जब 172 आए एंड व्हेन यू गॉट टू नो दैट यू हैव द हाईएस्ट मार्क्स ओवरऑल इंदौर में भी मध्य प्रदेश में भी सो हाउ डिड यू फील और फैमिली का क्या रिएक्शन था मतलब सबसे पहले आपने अपना फील लिया या इसके मार्क्स पूछे थे सर उसका रिजल्ट भी मैंने निकाल के दिया था शी हैड सम प्रॉब्लम एंड उससे खुल ही नहीं रहा था तो मैंने मेरे बाद ही निकाल के दिया था पर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि 172 आ गई क्योंकि एग्जाम देने के बाद बार बार ऐसा लग रहा था कि डिस्क्वालीफाई तो नहीं हो जाए किसी भी मींस की वजह से नहीं काफी सारे स्टूडेंट्स के इस बारे में कॉल आए थे मतलब ऐसा बहुत ज्यादा ही डर लग रहा था तो जैसे ही वो आया सबसे पहले पास देखा कि पास हो गए फिर मार्क्स देखे तो रिएक्शन तो सबका बहुत अच्छा था दे वर ऑल हैप्पी एंड तब शायद इमेजिन नहीं किया था कि एमपी में हम टॉपर हो सकते नहीं सर तब तो कोचिंग का भी नहीं आइडिया था मुझे वो एट दैट मोमेंट मेरे को लगा बस हो गया बस ज्यादा कुछ नहीं चाहिए पर बाद में आई गॉट टू नो कि जब आदमी थोड़ा सक्सेस अचीव कर लेता है ना तो वैसी बातें करते हैं बोले मेरे को तो पता ही नहीं था I was normal. This is नहीं, something समय natural. एक spelling दिखती बस PASS और कुछ दिखता ही नहीं है. Very good यार मंच. Nandini, what was your reaction of 170 and how the family celebrated it? मम्मा ने क्या बोला पापा ने क्या lawyer है ना? अच्छा पापा lawyer हैं. Very good. पापा की बेटी उसको भी मतलब lawyer ही बनना है. हाँ. Sir जैसा कि भी इसने mention किया सभी लोग इतना ज़्यादा और जैसे exam हुई थी कितने मार्क्स आएंगे क्या सब सेकंड थॉट हो गया था पहला तो ये था कि डिस्क्वालीफाई कर देंगे तो मैं तो बिल्कुल मन बना के बैठी थी कि मुझे तो डिस्क्वालीफाई करेंगे तो मैंने उसको बोला रिजल्ट भेज एंड व्हेन द रिजल्ट्स केम आउट सबसे पहला मेरा ऑब्वियसली फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये था कि मैं चेक करूँ कि PASS होने का वो देखा उसके बाद डेफिनेटली फिर मार्क्स देखे एंड एक्सपेक्टेड जितने थे उतने तो नहीं आए पर ठीक है ऊपर से फिर फैमिली ने कंसोल किया मैं तो ऐसे बैठ गई थी बिल्कुल ही अच्छा तुम खुश नहीं थी रिजल्ट देखने के बाद तो बेसिकली फैमिली ने सब ने कंसोल किया सब कांग्रेचुलेट कर रहे थे तो तब थोड़ा लगा कि ठीक है मतलब जिस बच्चे के 101 आए होंगे या जो 100 पे पास हुआ होगा और ये वो पॉडकास्ट देख रहा होगा को पार्टी दे दी होगी और वो ये पॉडकास्ट देख रहा होगा सर और जब नंदिनी बोल रही कि मैं 170 के बाद थोड़ा डिप्रेशन में चली गई थी थोड़ी देर के लिए तो उसका कमेंट आ रहा है यूट्यूब पे तो वो जो एक वो आता है ना वो नरेंद्र मोदी जी का इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास तेजस्वी लोग होते हैं कैसे कैसे तेजस्वी लोग होते हैं तो इमीडिएटली उसका रिएक्शन ये रहेगा मतलब कैसे कैसे तेजस्वी लोग होते हैं या 100 नंबर में हमने पूरा गाँव को पार्टी दे दी है 70 में रोने तो थोड़ा रैपिड फायर करते हैं कितने रिविजन्स किए थे पेपर एग्जाम्स सो थैंक्स टू फैकल्टी सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया था सो वी गॉट इनफ टाइम के आराम से रिविजन ऐसे 4-5 बार कर सकते हैं तो 5 बार रिविजन किया था बिफोर एग्जाम्स 3-4 times एग्जाम के एक दिन पहले कितनी बार रिविजन एग्जाम के पहले काउंटलेस टाइम लाइक आई वाज जस्ट बैठी हुई थी मैं सब कॉपीज एक तरफ एंड आई जस्ट मतलब सब तब तक फिंगर टिप्स पे था बस देखना है खत्म करना है देखना है खत्म करना है मेन चीज़ें देखना सारे सब्जेक्ट्स के एक साथ टेस्ट है तो सबका जो मेन पॉइंट है कि हाँ ये वाला आर्टिकल पढ़ लेते हैं लॉ में या ये वाली हेडिंग पढ़ लेते तो पहले से मार्किंग करना बहुत जरूरी हो जाता है हाँ वो उस समय क्या फ्रेंड से बातें करते हैं कि और वो वाला पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा वो वाला पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा तेने पढ़ा क्या वो वाला नहीं पहले से मार्किंग करके एंड दैट मेन पॉइंट्स तो हाइलाइटर इज एन एसेंशियल फॉर CSET वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई रिकॉल नोट्स कुछ ऐसी रेफरेंस बुक समथिंग जिस जो गाइड करना चाहते हो आने वाले CSET स्टूडेंट्स के लिए रेफरेंस बुक एक्चुअली सब लोग का पहला यही होता है कि हमें रेफरेंस बुक देखें मेरा ये होगा कि यार मॉड्यूल पढ़ना है आने क्वेश्चंस उसमें एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चंस उसी में से आने हैं तो मॉड्यूल ऑब्वियसली जितना आप उस मॉड्यूल को कर सकते हो उतना कर लो एंड जहाँ से इंस्टीट्यूट से नोट्स मिले थे दे वर वेरी हेल्पफुल एक तो कलरफुल थे हाईलाइट पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ की बुक हेल्पफुल थी एंड प्लस खुद से भी जो नोट्स बनाए थे या जितना खुद सर्च कर करके वी कुड अरेंज तो सुपर मंशा कितना मॉड्यूल से आता है कितना मॉड्यूल के बाहर से आते हैं सर वो तो अंडरस्टैंडिंग अब वो कंसेप्चुअल वही रहती है चीज़ें बस वो घुमा फिरा के दे देते हैं तो 75-25% 75 मॉड्यूल में एंड 25 वही चीज घुमा फिरा के बेस्ड ऑन मॉड्यूल बट अंदाज़े बयां बदल देता है और बात का मतलब यूं तो इस दुनिया में कोई बात नहीं होती तो इन अ डिफरेंट वे द सेम थिंग इज बीइंग आस्क्ड इन अ डिफरेंट नाइस सर आप और कुछ क्वेश्चन अगर पूछना चाहे तो दोनों से कॉमन क्वेश्चन कि अपनी प्रिपरेशन के प्लस पॉइंट जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखें एंड नेगेटिव पॉइंट्स कि यार ये कमी रह गई नहीं तो 90-80 तक तो चले जाते 190 180 वो साइलेंट
नहीं तो बच्चे सोचते बोले हम तो बहुत बढ़िया एग्जाम्स आ गए मेरे। हाँ बोले पास के सब 80-90 में। तो मतलब वो अपने प्लस पॉइंट की हाँ यार ये मैंने किया था और ये सबको करना चाहिए, और ये नेगेटिव पॉइंट की ये मेरे से चूक हो गई और ये कोई ना करे। सब मॉड्यूल कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि मॉड्यूल का कंपाइलेशन बहुत अलग होता है, बहुत डिफिकल्ट भी होता है वो, आगे पीछे चीजें उसमें दी हुई है, पर मॉड्यूल नहीं छोड़ना ठीक है, क्योंकि उसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। नंबर वन। नंबर टू सर, खुद के नोट्स बनाना इज आल्सो इंपॉर्टेंट, हैंड रिटन नोट्स। तो डिटेल की शॉर्ट नोट्स, अभी ऑब्जेक्टिव होता है तो शॉर्ट नोट आर वेरी हेल्पफुल फॉर दैट, जैसे चार्ट वगैरह अपन बना लें, इस भी डिटेल जब है अपने पास मॉड्यूल में तो बेस्ट है, वेरी गुड। रेगुलरिटी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्लासेस अटेंड करनी है विद फुल सिंसियरिटी, एंड जो भी फैकल्टीज बोलते हैं वो फॉलो करो बस। मतलब तीन चीज़ें, एक मॉड्यूल पढ़ना बहुत ज़रूरी है ऑल द वे राउंड, दूसरा शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, और तीसरा रेगुलरिटी, हर दिन क्लास अटेंड करना है। ऑल राइट, कौन सी तीन चीज़ें करना चाहिए? पॉजिटिव्स, मॉड्यूल मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एक एक लाइन भी उससे कर सकते हो बिकॉज ऑब्जेक्टिव तो किसी भी लाइन से आता है। ये तो सेम पिंच हो गया। टेस्ट देने की एक हैबिट डेवलप करना पूरी, कि हाँ आप रेगुलरली टेस्ट दे रहे हो, और एक एक हैबिचुअल हो जाओ उस चीज़ के। ऑनलाइन भी टेस्ट देने की प्रैक्टिस करनी चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे आप ऑनलाइन ही देना है, तो उस चीज़ की भी एक हैबिट अच्छी डाल लेनी चाहिए, जो कि हमको हुई हमारी विद्युदय की ऑनलाइन जो टेस्ट थे उन्होंने काफ़ी हेल्प की, तो हमारा एक फियर था जो कि यार ऑनलाइन कैसे मैनेज करेंगे पहली बार दे रहे, वो कहीं ना कहीं हट गया था। एंड थर्ड वन हैज़ टू बी कि टाइम टू टाइम हर फैकल्टी से, हर सब्जेक्ट की फैकल्टी से आप, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है तो आप उनसे गाइडेंस मांगते रहेंगे कि आपने इतने टाइम से देखा है तो क्या आ सकता है, क्या आपके हिसाब से और कुछ एडवाइसेस कुछ हैं जो हम कर सकते हैं, या उनसे एक्सटर्नल हेल्प मिल जाएगी। एंड दिस इज समथिंग वी हैव बीन फोकसिंग अपॉन, कि फैकल्टी की अवेलेबिलिटी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे कुछ हो जाए अगर फैकल्टी अवेलेबल है वो दो मिनट बात ही हो जाती है तो उससे ही मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस से काफ़ी फर्क पड़ जाता है। करेक्ट, कौन सी बातें हैं जो नहीं करना चाहिए स्टूडेंट को? डरना नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात तो यही है क्योंकि उसके प्रेशर में आके आप एग्जाम में भी ब्लंडर्स हो जाते हैं। मेरा खुद का एक बार लॉग आउट हो गया था आई ग्रू पैनिकिंग एंड इधर उधर सब देखना चालू हो जाता है, तो वो नहीं, थोड़ा उसको कंट्रोल में रखना चाहिए फियर को। क्या नहीं करना चाहिए? तो इनकंसिस्टेंट बिल्कुल नहीं रहना है, बी रेगुलर, आप अपने नोट्स रिवाइज करते रहो हमेशा, मतलब एक होता है कि आप कैप कैप में अपनी चीज़ों को रिवाइज करो सो दैट यू डोंट फॉरगेट इट राइट। सो उसके लिए ऑब्वियसली एक टाइम लैप्स में डिसाइड करना पूरा कि अब रिवाइज करेंगे, फिर इसको एक महीने बाद उठा लिया, तो पूरा कंप्लीट करना एक कंसिस्टेंसी। करेक्ट, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू ऐड ऑन? तो टाइम मैनेजमेंट ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एक स्टडी प्लान बनाना टाइम के साथ बिल्कुल, कि इतने इतने टाइम तक मेरा सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, इसके बाद मुझे रिवीजन चालू करना है, इतने तक मेरा फर्स्ट रिवीजन हो जाना चाहिए, इस टाइम तक मेरा सेकंड रिवीजन हो जाना चाहिए, पूरा एक कंप्लीट। आप टेस्ट के लिए अलग से टाइम निकाल रहे हो फॉर एग्जांपल, आप जस्ट मेक श्योर कि आप हर बार, जैसे हर संडे आपने निकाल लिया तो हर संडे हर सब्जेक्ट का आप टेस्ट दे रहे हो, एक ऑनलाइन टेस्ट या कोई सा भी टेस्ट खुद से एक सेल्फ एनालिसिस के लिए, सो जस्ट डोंट मिस दैट थिंग आउट। एक सेल्फ एनालिसिस ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टाइम मैनेजमेंट सबसे क्रूशियल चीज़ होगी। करेक्ट, और मैं एक पॉइंट और दे देता हूँ, वॉच योर कंपनी, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये दोनों यहाँ बैठे हुए हैं और इनकी सक्सेस का रीजन एक ये भी है कि दे आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता था तने सर जस्ट रिइटरेटेड दैट पॉइंट टाइम एंड अगेन, सो दिस आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, इन्होंने CSET की प्रिपरेशन साथ में शुरू की, साथ में पढ़ाई भी की होगी आई गेस, कुछ डाउट्स होंगे तो एक दूसरे से क्वेश्चनेयर भी हुआ होगा, so it's very important when you are studying with those kind of people who are motivating you, who are following you, who are you know having that healthy competition with you at the same point of time. ऐसा नहीं होना चाहिए कि चल तू क्या ही पढ़ रहा है, लाइफ के मजे ले, CSET है निकल ही जाएंगे, 170 है तू भी पास है, 101 है तू भी पास है, तो वो क्या लेकर जाएंगे और क्या लेकर आए वाला अप्रोच जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इट्स वेरी गुड दैट यू टू पीपल रियली नेल्ड इट एंड बहुत मज़ा आया तुम दोनों से बात करके। तने सर, एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव ऑल द CS स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग आउट देयर? तने सर अपनी त्वचा से इनकी उम्र का पता नहीं चलता है, ही इज हाईली एक्सपीरियंस्ड और तो तने सर कितने साल का एक्सपीरियंस है वैसे बाय द वे? 21-22
21-22 मतलब जितनी इनकी एज होगी जितनी इनकी एज है उतना तने सर का एक्सपीरियंस है और फिर भी तुम कैमरा में चेक कर सकते हो मुझसे ज्यादा यंग लग रहे हैं। तो तने सर जल्दी से बता दो सीए स्टूडेंट्स को क्या आप एक मैसेज देना चाहते हो। यार सीधा सा मैसेज है, कंसिस्टेंट रहो, प्रॉपर स्टडी करते रहो, रेगुलर रहो। जैसे बीच में गैप आ गया था कि एग्जाम डिले हो गई थी, तो वहां पर भी कंसिस्टेंसी छोड़ना नहीं, कब क्या हो जाए किसको मालूम है यार। और बिल्कुल इस तरह से पढ़ो कि हम नॉलेज लेने के लिए पढ़ रहे हैं, हमें पास होने के लिए केवल पढ़ना है तो ठीक है हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं, बट सक्सेसफुल नहीं रह पाओगे। अगर आपको मार्केट में सक्सेसफुल रहना है तो आपको अपना नॉलेज एड ऑन करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेंगे, तब जाकर आप सक्सेसफुल रहोगे। तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि जो पढ़ो इतने डिटेल में और डेप्थ में पढ़ो कि बस मजा आ जाए। सो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग ऑन द शो। लगातार दूसरा हम लोगों ने पॉडकास्ट किया, पहले सर सीए वाला पॉडकास्ट हुआ था ऐसे टेबल पे एंड नाउ वी डिड सीएस। रियली फीलिंग कि जितने भी सीए स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं आउट देयर उनको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। एंड इफ यू रियली लर्नड एनीथिंग आउट ऑफ इट प्लीज कमेंट सेक्शन ओपन है वहां पे कमेंट्स डाल देना। इफ यू रियली वांट टू कांग्रेचुलेट दिस टू ब्यूटीफुल पीपल हु हैव स्कोर्ड ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मार्क्स द कॉमेंट सेक्शन इज स्टिल ओपन। और तने सर यही है सीएस के लिए, तुम्हें गाइड करने के लिए, उन्हें खूब परेशान करो और सीएस में ऐसे ही रिजल्ट लेकर के आओ, दिस इज व्हाट आई रियली विश। तो आज इसी नोट पर पॉडकास्ट एंड करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। और तने सर मोस्टली अगले रिजल्ट्स पे फिर मिलेंगे इसी तरीके से टॉपर्स के साथ, और शायद थोड़ा बड़ा सेटअप लगाएंगे ताकि ज्यादा टॉपर्स जो है वह हमारे इस कैमरे में फिट हो। चलो बाय गाइस।